कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में, राइट, जो कि हम लोग कह सकते कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिनको आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि अगर देखा गया तो जो इस चैनल को हमेशा फॉलो करते हैं तो उनको पता ही है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेज वन होता है जहाँ पे स्टॉक ऐसा कंसोलिडेशन फेज में होता है, फिर लगातार फिर बाद में तेजी आ जाती है जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र उस स्टॉक के ऊपर आ जाती है, जिसको हम लोग स्टेज टू कहते हैं, एंड आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो उसको हम लोग स्टेज थ्री बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही पूछा जाता है कि स्टेज वन के शेयर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। जैसे मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि आपको बिजनेस आइडेंटिफाई करना यहाँ पे आना चाहिए, दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखने को आना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कौन सी चीज़, यस, कि फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करना यहाँ पे आना चाहिए। आज कौन सी तारीख है, मतलब 2023 चल रहा है, यस, आपको 2025 में 2030 में क्या होगा एक्चुअल में वो आपको आज बैठकर यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है, एंड उस हिसाब से अपने निवेश करके पैसे कमाने होते हैं। ये अगर आप सीख गए, ठीक है, इजी नहीं है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली शुरुआत करोगे सीखने से रिलेटेड एज अ वेल्थ क्रिएटर इन्वेस्टर, ये हमारा सबसे मेजर काम होता है, दैट्स इट। आपका बहुत कुछ हद तक काम यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग को बदलाव देखने को मिला तो कैसे हम लोग को अच्छे रिटर्न्स मिले, देन रेलवे में हम लोग को बदलाव देखने को मिला कैसे अच्छे रिटर्न्स मिले, एंड ये आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा वो बीच बीच में आराम करेंगे, बाद में वापस कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर चले जाएंगे, फिर बाद में वापस तेजी आएगी, ये होता रहेगा। देन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल यहाँ पे आते भी रहते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर है, जैसे कि अगर देखा गया सर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो क्लीन एनर्जी है, जिसको हम लोग ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पे बोलते हैं, सोलार पावर बोलते हैं, वो भी एक सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि भविष्य में और भी कई गुना तक हम लोग को बड़े होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो अभी के भी कुछ चंद एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर आप SMC, जो हमारा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप इस प्रकार के जो प्रेडिक्टेबल खबरें होती है उसको अगर आप प्रेडिक्ट कर पाए तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हाल ही में कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, हम लोगों ने क्या देखा था, यस, ड्रोन वाले स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अभी क्या वो खबर हम लोग को थोड़ी ना पता थी कि सरकार ऐसा फैसला लेगी कि जो सिविल टाइप के ड्रोन होते हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट बैन हटा देंगे करके, बिल्कुल नहीं पता था। बट हमें ये जरूर पता था कि ड्रोन सेक्टर भविष्य में अच्छा करने वाला है, तो हम लोग को अल्टीमेटली फ़ायदा हो गया डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। या फिर अभी का जो इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, L&T इन्फोटेक माइंडट्री, खबर सामने आ रही कि NIFTY 50 में ऐड हो सकता है करके, तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि ऐसा हो सकता है करके, तो इसके चलते जब ये तेज़ हुआ तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस, ये आपको आज बैठकर सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, तभी जाके आपको अच्छा फ़ायदा होगा। वरना क्या है, दुनिया तो यहाँ पर आ ही जाएगी किधर, सेकेंड स्टेज पर खरीदने के लिए। जब स्टॉक तेज़ हो जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता ही है, और फिर वो नीचे आएगा 10-15%, फिर रोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे सीखनी होती है। एंड इसी से रिलेटेड एक अच्छा सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है कि सर, वैसे तो देखा गया तो भविष्य में फिर कुछ सेक्टर लिमिटेड ही हो जाएंगे, जैसे आप डिफेंस की बात करते हो, रेलवे की बात करते हो, AI की बात करते हो, उसी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार की बात करते हो, ड्रोन सेक्टर की बात करते हो, तो ये इतने ही सेक्टर हो गए? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि अगर आप फ्यूचर प्रॉपरली देख पाओगे तो जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है दोस्तों, उसकी जो कैपेसिटी है सोचने की, मतलब आप एक्चुअल में सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ तक सोच सकता है करके, एंड उस हिसाब से अपने सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही टफ है ये हजम होने के लिए, बट जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको वो 10% के रेंज में आना है तो आपको यस या अलग हटकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। जैसे कि चलो मैं आपको इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग को और भी अलग सेक्टर यहाँ पे इमर्ज होते हुए देखने को मिले, जिसको आप चाहो तो फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स के हिसाब से भी चाहो तो देख सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं करके, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अलग अलग रिपोर्ट्स आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें देखो कि जो पहले नहीं हो रही थी एंड अभी हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप लोगों ने ये रिपोर्ट्स देखे होंगे कि क्रेडिट स्विस की भी बात करें तो उन्होंने भी बोला था कि इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों, लोगों की जो अभी इनकम है, अगर हम लोग बात करें आमदनी की बात करें, तो अभी धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड नंबर ऑफ मिलीनियर्स की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, लगातार बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर 2026 तक डबल हो जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ बीच में नाइट फ्रैंक की भी रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रहेंगे, ठीक है, मिलीनियर की बात नहीं हो रही है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो इंडिया में लगभग 60% तक बढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये वो चीज़ दर्शाता है कि यस आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे रहेंगे वो बहुत ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करने वाले, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अर्न करने वाले हैं, राइट। एंड इसी चीज़ का हम लोगों को प्रमाण भी देखने को मिल जाता है। प्रमाण देखने के लिए क्या समझ में आता है, ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था वो 16.5 लाख करोड़ के पार चला गया था। इतना मतलब बोलते ना, मतलब आसमान फाड़ कर चला गया था, इतना ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन क्या दिखाता है कि आप अगर ज़्यादा कमाओगे तो सरकार भी ज़्यादा कमाएगी, एज सिंपल एज दैट। एंड इसीलिए सरकार ने जो बजट का एस्टिमेट था वो भी ज़बरदस्त बढ़ा दिया, ठीक है। सरकार अल्टीमेटली ये बजट बिजट ये प्लानिंग करती किसके हिसाब से है कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा था, नो डाउट और भी बहुत सारे जगह से कलेक्शन खास करके डेब्ट से ही होता है, बट फिर भी जो टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसी से उनका एस्टिमेशन अच्छा होता है। अगर कल यही 16 लाख करोड़ अगर सिर्फ 6 लाख करोड़ आएगा तो क्या एस्टिमेट करेंगे वो, और या फिर बजट रखेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। प्लस बिजनेस की बात करें तो GST कलेक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ के हिसाब से हम लोग को एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें दोस्तों ये हमें दर्शाती है कि कैसे बिजनेसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, यस हमें ऐसे सेक्टर्स देखने हैं जहाँ पे अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा, मान लीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ पैसा आ गया, तो आप उसको कहाँ पे खर्च करेंगे, राइट। उस हिसाब से हम लोगों को सोचना आना चाहिए। एंड ये चीज़ें हो रही है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले एक कॉमन विचार तो हर किसी को यहीं पे आ जाता है, घर, जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को सिटीज़ में देखने को मिल जाएगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 20 चलता रहता है, ठीक है। तो लोग प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। हालांकि देखा गया तो रियल इस्टेट में इतना ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट के हिसाब से बात करो, स्टॉक के हिसाब से बात करो, नहीं बनता है। निफ्टी रियलिटी भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट रहता है। बट स्टिल अगर आपको स्टडी करना है, देखिए मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है। यूजुअली रियल इस्टेट सेक्टर को अगर आप अवॉइड करोगे तो भी चल जाएगा, बट फिर भी अगर किसी को जाना ही है तो कौन से स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए, 3 स्टॉक्स जो मैं हमेशा कहता हूँ। फर्स्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कीजिए, देन ओबेरॉय रियल्टी को स्टडी कीजिए, एंड देन लोधा या फिर माइक्रोटेक डेवलपर्स, इसको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ ये रिकमेंडेशन नहीं है, अभी जो वीडियो का आगे पीछे करके देखेगा उसको लगेगा यही वीडियो की रिकमेंडेशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड अभी जो मैं बोल रहा था कि लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी रियल इस्टेट, तो ठीक है, बट यहाँ पे इतने कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनते, ओके ओके रिटर्न्स बन जाते हैं, बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और कहाँ कहाँ पे खर्च वो करते हैं, तो लाइफस्टाइल। आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक इंसान पहले, अगर मान लीजिए अगर पहले 50,000 कमाता था, अगर वही इंसान 2-3-4-5 लाख कमाने लग गया तो यस वो अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर देता है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है। मैं एवरेज बात यहाँ पे कर रहा हूँ, हर किसी को एक एक इंसान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, यस महंगी महंगी घड़ियाँ वो खरीदता है। एंड कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप अपने ही फैमिली सर्कल में, रिलेटिव्स में अगर ये थोड़ा एनालिसिस करके देखोगे, ठीक है, जिसकी आमदनी थोड़ी बहुत बड़ी होगी, आपको इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती है। ह्यूमन नेचर वैसा ही है, राइट। इसके लिए मतलब कोई अलग दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो महंगी महंगी घड़ियाँ खरीदते, इसलिए ये स्टॉक मैंने आपको इसके पहले भी स्टडी करने के लिए मल्टीपल टाइम दिया था, इथॉस लिमिटेड। बीच में यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा हमारा रिटर्न जनरेट हुआ था, एंड आज भी आप देख सकते हो स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पे ही चल रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ रिकमेंडेशन है, इसको स्टडी कीजिए। जो ब्लाइंडली सिर्फ रिकमेंडेशन करते रहते हैं वो कोई टिकता भी है नहीं, ठीक है, वो अच्छे ब्लू चिप कंपनी में भी जाके सरेंडर करके आ जाता है। सो अगर आपको स्टडी करना है तो यस इस कंपनी को जरूर स्टडी करना। जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर अभी तक लगातार 74% की तेजी देखने को, एंड कोई आज की बात नहीं है, ये जब 3 डिजिट में था तब से हम लोग इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार की नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई थी, उसी को बेस लेकर ये पॉइंट मैंने आपको सिखाया था। देन दोस्तों यस महंगी महंगी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग देखते हो कि लोग कैसे गाड़ियों के चलते शो ऑफ यहाँ पे करते हैं, करना अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसके चलते लैंडमार्क कार, ये भी हाल ही में ही हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, वो भी आप देख सकते हो 60% की तेज़ी देखने को आप मिल रही है, ठीक है। तो इनके नंबर्स के ऊपर फोकस रखिए, ये आपको बताता है दोस्तों कि इस प्रकार के सेक्टर, ये सेक्टर वाइज ये बात मतलब क्या थी एग्जैक्टली, कि लोगों की यस इनकम बढ़ रही है दोस्तों, आमदनी बढ़ रही है इंडिया के जो लोग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते इन कंपनीज़ का हम लोग को बिजनेस अच्छा खासा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो जो लोग ये पूछ रहे थे ना कि सेक्टर वाइज सर सिर्फ लिमिटेड सेक्टर ही है कि AI में जाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहिए, सोलर में जाना चाहिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ड्रोन में जाना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको एक बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चाहो तो लैंडमार्क कार को भी स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों ये वाला पॉइंट भी मैंने बहुत बार आपको बताया है कि लोग क्या करते हैं कि यस महंगी महंगे फर्नीचर से यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर से यहाँ पे खरीदते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कुछ शो ऑफ वाली चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, शो पीस वाली चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए वुडन टाइप का फर्नीचर है, एंटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, रॉयल इनफील्ड जैसा। तो इसकी प्राइस देखिए कितनी है, लगभग 37,000 के आसपास। अभी आप बोलोगे ये कौन खरीदेगा, तो खरीदते हैं लोग। और इसका मैंने एग्जांपल भी बहुत बार आप लोगों को बताया था कि जो मेरा एक ही दोस्त, मतलब मेरा जो दोस्त था, ठीक है, वही इस चीज़ को मतलब पहले मतलब नाम रखता था कि बोलते थे ये क्या फालतू चीज़ है, कौन इसके लिए इतना खर्चा करेगा एंड ऑल दैट। एंड वो आज फिलहाल फ्रीलांसिंग कर रहा है एंड जिस प्रकार से वो अर्निंग कर रहा है दोस्तों, आज उसके घर में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। क्यों? आमदनी बढ़ गई। पहले अगर देखा गया 40-50 हज़ार कमाता था, अभी मंथली 5-5 लाख कमाता है, दैट्स इट। अभी करेंगे क्या, तो इस प्रकार की चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर घर में आना स्टार्ट हो जाती है। तो यही बताने का मेजर मकसद था दोस्तों कि अगर इससे रिलेटेड ये कौन सी कंपनी, यस ये है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। अगेन 150 का है, चलो ट्राई कर लेते, ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि ये इसमें से सबसे खतरनाक कंपनी, केवल 187 करोड़ का मार्केट कैप। ये कंपनी कभी भी जीरो हो सकती है, ठीक है। अभी ये रिस्क का अंदाज़ा जिसको नहीं होगा कि मार्केट कैप इतनी छोटी वाली कंपनी है, फिर बाद में वो परेशान हो जाएगा। कभी भी 50-60% ऐसे चुटकियों में गिर जाएगा, सर्किट लग लग के, इतने छोटे कंपनीज है ये, ठीक है। बट ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी करने के लिए, यस ये वो कंपनी है दोस्तों, इनका बिजनेस तभी चलेगा जब लोगों की जेब भरेगी। अगर एक इंसान, मिस्टर ए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो इन कंपनी का धंधा होने से रहा नहीं, ठीक है। इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ, जो एथॉस लिमिटेड मैंने आपको कंपनी दिखाई, उसके वेबसाइट के ऊपर जाके घड़िया का दाम देख लेना, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 30, 40, 50 लाख की घड़ियाँ है, तो कैसे कोई खरीदेगा। ऑब्वियसली इनकम होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ गाड़ियों के भी सेम चीज़ ही है कि अगर आप ज़्यादा नहीं कमाओगे तो गाड़ी कहाँ से अफोर्ड करोगे, एंड सेम इसी प्रकार के जो एंटीक शॉप्स जो रहेंगे वो आप घर में कैसे रखोगे। तो ये जो सारा जो रिपोर्टिंग था दोस्तों, अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि आने वाले समय में इंडियन लोगों, मतलब जो भी व्यक्ति जो रहेगी, एवरेज जो पर्सन यहाँ पे रहता है, उसकी आमदनी बहुत सॉलिड तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसके चलते इस प्रकार की जो कंपनियाँ रहेगी, ठीक है, महंगे महंगे चीज़ों के साथ जो डील करने वाली कंपनियाँ रहेंगी, उनका बिजनेस आप लोगों को निखरते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस प्रकार से भी अगर आप सोच कर जाओगे दोस्तों, तो आपको फ्यूचर मल्टीबैगर्स जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सही जाएंगे गलत जाएंगे वो तो बात की बात, बट एटलीस्ट हम लोगों ने दिमाग लगाना आना चाहिए, और दिमाग खुद से लगाना होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, मेरा वीडियो देख लिया इसलिए उत्तेजित हो गए, कल ही जाके शेयर खरीद लूंगा, कोई मतलब की बात नहीं है दोस्तों। जैसे स्टॉक नीचे आ जाएगा आप एग्जिट करने की बात करोगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा इस प्रकार ट्राई कीजिए खुद को यहाँ पे आगे ग्रो करने की, तो आप भी यहाँ पे अच्छे तरीके से इस प्रकार के शेयर्स ढूंढ पाओगे। जाते जाते वापस एक बार वो चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, कौन सा, जो रियल इस्टेट वाले जो 3 स्टॉक्स यहाँ पे बताए वो स्ट्रिक्टली मतलब स्टडी पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके मतलब फ्यूचर मल्टीबैगर मतलब मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा था, नहीं। अब बाकी जो 3 स्टॉक्स थे उनसे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में स्टडी वहाँ पे चाहो तो कर सकते हो।